हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीपीएससी पीटी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 2। ये साइंस और टेक का वीडियो आपके 70 बीपीएससी पीटी और 71 बीपीएससी पीटी में काम देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको पेड कोर्स में पीडीएफ के बारे में जानकारी प्रदान कर दी गई है, तो आप सब जाकर के वहाँ टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा, पवन टरबाइन का उपयोग करके हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करना है। मतलब आप सबको पता है कि पवन ऊर्जा जो है ये तटीय क्षेत्र में लगेगा। भारत का जो कोस्टल वाला राज्य है जिसमें 9 राज्य शामिल होते हैं, तो वहाँ पे लगेगा। और ये पवन ऊर्जा, पवन टरबाइन का इसमें उपयोग किया जाता है, जिससे कि हवा की गतिज ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरा है, भारत की वर्तमान क्षमता विकास पर प्रकाश डालें, यानी पवन ऊर्जा के संबंध में भारत के पास अभी क्षमता कितनी है और संभावनाएं कितनी है। तो 2030 के लिए भारत का पवन ऊर्जा का लक्ष्य 140 गीगावाट है, और अगस्त 2023 तक का रिपोर्ट कहता है कि भारत द्वारा कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 44 गीगावाट हो चुका है। हम सबको 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित करना है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, तो फैक्ट भी याद रखना है आप सबको। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की उपस्थिति है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार और झारखंड वगैरह में तो पवन ऊर्जा होगा नहीं, वहाँ पे तो टरबाइन लग नहीं पाएगा क्योंकि वो तो समुद्री इलाका है नहीं। तो प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में उपस्थित है, जहाँ हवा सही ढंग से चलती है। कुछ बे ऑफ बंगाल से चलती है और कुछ अरब सागर से चलती है, जहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। पवन पार्क क्या है? तो भारत के बड़े राज्यों में पवन पार्क स्थापित किया गया है, जैसे जैसलमेर विंड पार्क 1064 मेगावाट का, मुंडपम विंड फार्म ये 1500 मेगावाट का है, तो इसको याद रखिएगा। पांचवा, नेक्स्ट अब ऊर्जा की ओर हम सब बढ़ते हैं और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा है, भूतापीय ऊर्जा क्या है? बस आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, तब जाकर के वहां पे क्वेश्चन बनेगा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी से प्राप्त की जाती है। मतलब ये जो भूतापीय ऊर्जा है यह पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी से प्राप्त की जाती है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला ऊर्जा, उसका कभी हम सब उपयोग करने का सोचते नहीं है, जबकि एक अच्छा संसाधन हो सकता है आपके ऊर्जा संबंधी, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के अंदर चूंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है तो उससे जो गर्मी प्रदान की जाती है उसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। अब ये भूतापीय ऊर्जा के क्या गुण है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत हो सकता है। जैसे कि मैं बात किया कि कभी भी ज्वालामुखी से निकलने वाला जो उष्मा होता है उसका कभी हम सब यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, या पृथ्वी के तलहटी से निकलने वाला जो उतना भी गर्मी होता है उसका कभी हम सब यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो इसलिए यह एक अच्छा ऊर्जा का संसाधन हो सकता है। भूतापीय ऊर्जा के संबंध में सातवां क्वेश्चन देखिए। भूतापीय ऊर्जा के संबंध में भारत की वर्तमान क्षमता संभावना पर प्रकाश डालें। भूतापीय ऊर्जा में भारत का वर्तमान में स्थिति क्या है? तो वर्ष 2023 तक भारत में भूतापीय से बिजली उत्पादन की सुविधा अभी तक हासिल नहीं की गई है। वही मैं बता रहा था कि इन सब ऊर्जा को हम सब मिस कर जाते हैं, तो अभी तक भारत द्वारा ऐसा हासिल नहीं किया गया है। अब ये भूतापीय ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? तो लद्दाख की पूगा घाटी में खोजा गया है कुछ स्थान पर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी खोजा गया है भूतापीय ऊर्जा को, ठीक है। एट है, भारत की इस ऊर्जा में संभावित क्षमता कितनी है? मतलब भारत के पास फ्यूचर में कितना संभावना है भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने का? तो 10 गीगावाट, इसको याद रखेंगे आप सब। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस ऊर्जा के संबंध में कहाँ क्षेत्र है? तो पहले ऑलरेडी लद्दाख का पूगा घाटी आप सब देख ही लिए, अरुणाचल प्रदेश देख ही लिए, इसके अलावा भूतापीय स्थल आपका हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है, और हॉट स्प्रिंग देश भर में लगभग 340 भूतापीय हॉट स्प्रिंग की पहचान की गई है। हॉट स्प्रिंग मतलब हो गया गर्मी में जो उष्मा बहता है उसी को बोलते हैं, तो 340 भूतापीय हॉट स्प्रिंग की पहचान की गई है। पर अभी तक हम सब इस वाले यानी भूतापीय ऊर्जा के संबंध में कोई ज़्यादा चीज़ हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसा कि सौर ऊर्जा के संबंध में हम सब 71.61 गीगावाट जो है वो उत्पादित कर लिए, पवन ऊर्जा में भी कर लिए, लेकिन भूतापीय ऊर्जा में अभी तक हम सब कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन संभावना है कि 10 गीगावाट तक भूतापीय ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है भारत के द्वारा। चलिए भूतापीय ऊर्जा देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन में हम सब देखते हैं जल विद्युत क्या है, ठीक है। तो ये इसमें डैम वगैरह के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नदियों या झरनों के बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करना एक नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है, ठीक है। तो इसको जल विद्युत बोलते हैं।
मतलब नदी वगैरह से जो भी जो करंट पैदा होता है, करंट बोले तो उसका धार जो पैदा होता है उससे जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसी को जल विद्युत परियोजना बोलते हैं। 11 है जल विद्युत का भारत में वर्तमान क्षमता और विकास पर प्रकाश डाले, तो इसमें हम सब काफ़ी ऊपर हैं। 2023 में भारत में स्थापित जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट थी जो कुल स्थापित 11.2% है। मतलब जितना भी हम सब विद्युत बनाते हैं उसका 11.2% हम सब जल से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है क्योंकि ये नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है। अगर कोयला से आप बिजली बनाएंगे तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन होगा जिससे कि ओजोन परत डैमेज होगा और फिर पर्यावरण नुकसान होगा, तो इसलिए जल विद्युत परियोजना पर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। 12 है भारत में जल विद्युत ऊर्जा का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, ज़्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 13 है भारत के जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत के प्रमुख परियोजना के बारे में बताइए, नाम बताइए कुछ डैम का। प्रमुख परियोजनाओं में भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध और नाथफा झाकड़ी बांध शामिल है। चलिए नेक्स्ट ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। 14 है महासागरीय ऊर्जा क्या है, ध्यान से समझेंगे। वह ऊर्जा जो समुद्र के तापीय प्रवणता, ज्वार और लहर से प्राप्त की जा सकती है वो भी ऊर्जा है। मतलब करंट जहां पैदा होगा, पानी वाला करंट वो जहां पैदा होगा वहां पे ऊर्जा की प्रबल संभावना है, तो महासागरीय ऊर्जा इसी प्रकार से है। जैसे कि महासागर से गर्मी भी पैदा होता है, ज्वार भाटा आप सब जानते हैं, उसमें लहर जो है हलचल में आती है तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। लहर काफ़ी तेज हो सके तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह नवीकरणीय संसाधन है जो तटीय क्षेत्र के लिए एक लाभकारी संभावना है। अब भारत की वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो जैसा कि भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा में भारत अभी तक क्षमता हासिल नहीं कर पाया है, तो ये भारत सरकार इस पर काम कर रही है, तो जल्दी देखिए प्रबल संभावना है कि इन सब ऊर्जा का भी हम सब सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो भारत की वर्तमान महासागरीय ऊर्जा क्षमता और संभावना पर प्रकाश डालें, तो भारत द्वारा इस ऊर्जा क्षेत्र में अभी तक क्षमता हासिल नहीं किया गया है, लेकिन संभावित है कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा सहित लगभग 54 गीगावाट समुद्री ऊर्जा हम सब जो है उत्पादित करेंगे। तो भूतापीय में भी संभावना है 10 गीगावाट का और महासागरीय ऊर्जा में जो है संभावना है आपका 54 गीगावाट तक, ठीक है। तो अभी तक हम सब दो सेक्टर में काम नहीं कर पाए ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया और दूसरा महासागरीय ऊर्जा हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महासागरीय ऊर्जा की प्रबल संभावना भारत में कहाँ दिखती है, तो कच्छ की खाड़ी हो गया, कैम्बे की खाड़ी हो गया, इसके अलावा भारत की लंबी तटरेखा में तरंग ऊर्जा के दृष्टि से लाभकारी है, यानी 9 राज्य जो हमारा है तटीय राज्य वहाँ पे आपका महासागरीय ऊर्जा की प्रबल संभावना है, इसके अलावा कच्छ की खाड़ी में और कैम्बे की खाड़ी में भी आपका महासागरीय ऊर्जा की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट ऊर्जा देखते हैं, 17 जैव ऊर्जा या जैव ईंधन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो यह ऊर्जा लकड़ी, कृषि फसल या अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसका उपयोग ताप, बिजली उत्पादन और जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जैव ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि लकड़ी हो गया, कृषि फसल हो गया, इवन आप बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं तो उसको जमा करके उसको जलाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी सरकार को सोचनी चाहिए कि इसको प्रमोशन कम करे, बाकी स्वच्छ या नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ज़्यादातर बढ़े। लेकिन ये भी एक प्रकार का ईंधन है, एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसमें आप लकड़ी को जलाते हैं ऊर्जा प्राप्त होता है, कृषि फसल को जलाते हैं ऊर्जा प्राप्त होता है, कोई भी अपशिष्ट चीज़ को जलाते हैं उससे उष्मा प्राप्त होता है और उष्मा से आप बिजली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है, एक प्रकार का ईंधन है। 18 है भारत में बायोमास ऊर्जा प्रणाली के प्रकार का वर्णन करें, बायोमास यही जैव ऊर्जा हुआ। देखिए पहला नंबर है जैव ऊर्जा बिजली संयंत्र, इसके अंतर्गत बिजली का उत्पादन करने के लिए कृषि अवशेष, लकड़ी और बगास जैसे कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। मतलब कृषि का अवशेष जलाएंगे या लकड़ी जलाएंगे, तो लकड़ी जलाएंगे तो क्या होगा, उससे उष्मा पैदा होगा और उष्मा से आप क्या बना पाएंगे, बिजली। तो इस वाले जैव ऊर्जा बिजली संयंत्र में इस प्रकार का काम किया जाता है। पहला हो गया जैव ऊर्जा बिजली संयंत्र। दूसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं बायोमास सह उत्पादन, इसमें क्या किया जाएगा, तो जैव ऊर्जा का उपयोग करके बिजली और उष्मा का एक साथ उत्पाद शामिल है, इसका उपयोग चीनी मिलों में किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि बायोमास का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चीनी मिलों में किया जाता है। तीसरा है अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, नगर पालिका और औद्योगिक कचरों से ऊर्जा उत्पादन करना। जैसे कि अपशिष्ट से ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, वही मैं आपको बताया कि नगर पालिका में जितना भी या औद्योगिक कचरा जो भी शामिल होता है, प्लास्टिक वगैरह, उसको आप जलाएंगे तो उष्मा पैदा होगा और उष्मा जब पैदा होगा तो उससे आप बिजली बना पाएंगे। तो लेकिन इसमें यही है कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है, तो अवशिष्ट से ऊर्जा लेकिन बनाया जा सकता है, ठीक है।
4 है जैव गैसीकरण, एक प्रक्रिया जहां बायोमास के गैस में परिवर्तित किया जाता है और बिजली बनाया जाता है, ठीक है इसको याद रखिए। 5 है जैव ईंधन। अब ये जैव ईंधन क्या होता है, तो बायोमास को इथेनॉल और बायोडीजल जैसे जैव ईंधन में संसाधित किया जाता है, उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में कर सकते हैं। बिहार की बात करें तो 2018 से 2022 तक बिहार में कुल 47 इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जाएगा। इथेनॉल जो प्राप्त होता है वो गन्ना से प्राप्त होता है, गन्ना के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, तो इसको सरकार प्रमोट कर रही है। बिहार में टोटल 47 इथेनॉल फैक्ट्री बनेगा, पहला बना था गोपालगंज में, ठीक है ये याद रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जैव ऊर्जा में भारत की क्षमता और वृद्धि पर प्रकाश डालें। इस क्षमता में भारत वित्त वर्ष 2012 में 10 गीगावाट के स्तर तक पहुंच गई थी, जो कि 4% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। मतलब जैव विकास ऊर्जा की बात करें तो 2012 में हम सब 10 गीगावाट तक पहुंच गए थे, उसके बाद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जैव ऊर्जा की उपस्थिति की बात करें, यानी 20वां क्वेश्चन जो है, भारत में जैव ऊर्जा की उपस्थिति या भौगोलिक प्रसार कहाँ तक है, तो भारत के राज्य में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में से कृषि राज्यों में उच्च संभावना है। कई चीनी मिलों ने बायोमास का उत्पादन को अपनाया है और शहरी क्षेत्र में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की ओर अनेक योजनाएं बनाई है। यानी मुख्य रूप से ये जो आपका क्षमता है जैव ऊर्जा का, ये कृषि क्षेत्र वाले राज्य में ज्यादा से ज्यादा है, बिहार भी उसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। 21 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा हार्ड है। गैस हाइड्रेट्स क्या है, तो सबसे पहले देखिए, यह पानी के अणुओं से बने क्रिस्टलीय बर्फ जैसे यौगिक हैं। यह कम तापमान और उच्च दाब अपशिष्ट स्थिति में बनता है। तो ये जो गैस हाइड्रेट्स है, ये कम तापमान और उच्च दाब पर बनता है, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, तो तीसरा नंबर है, आमतौर पर यह गहरे समुद्र के तलछट और परमाफ्रास्ट क्षेत्र में बनता है। ये परमाफ्रास्ट क्या होता है भाई, तो उस जमीन के रूप में परिभाषित किया गया जो लगातार 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा हो। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये कहाँ प्राप्त होगा, ये जो गैस हाइड्रेट्स है ये कहाँ प्राप्त होगा, तो ये समुद्र के तलछट या परमाफ्रास्ट क्षेत्र में प्राप्त होता है, इसको याद रखना है आप सब को। चौथा है, आमतौर पर गैस हाइड्रेट्स में मिथेन होता है, CH4, कल मैं बताया था आपको, आमतौर पर गैस हाइड्रेट्स में मिथेन होता है। इसके अलावा इथेन, प्रोप्रेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद रहता है। 22 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है, तो गैस हाइड्रेट्स का निर्माण कैसे होता है, यह तब बनता है जब पानी के अणु कम तापमान और उच्च दाब पर गैस अणुओं के चारों ओर एक संरचना बनाती है, ठीक है। यानी जो पानी है, जल है, वो जो जल का अणु है वो कम तापमान पर, यानी बर्फ के रूप में लगभग समझ लीजिए, और उच्च दाब पर, जब बहुत ज्यादा दाब हो उसके ऊपर, यानी ये गहरे समुद्र की ओर बात कर रहे हैं, गहरे समुद्र के अंदर ये बनेगा, तो इसी को बोलते हैं गैस हाइड्रेट्स का निर्माण, ठीक है। तो गहरे समुद्र के अंदर जल का जो अणु है वो कम तापमान और उच्च दाब, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा तो वहां पे उच्च दाब है, तो वहां पे ये बनता है, गैस अणुओं के चारों ओर एक संरचना बनता है, उसी को गैस हाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ये गैस हाइड्रेट्स किसका संरचना है, तो सबसे प्रचलित गैस हाइड्रेट मीथेन हाइड्रेट का संरचना है, जहां मीथेन के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए 24 हम सब देखते हैं, गैस हाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं जैसा बताया ये यूपीएससी 2021 या 22 में पूछी है। तो यह महाद्वीपीय सीमांत और परमाफ्रास्ट क्षेत्र के साथ समुद्री तलछट में पाए जाते हैं। परमाफ्रास्ट क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दिया, वैसा क्षेत्र जो 2 साल से लगातार 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा हो उसी को बोलते हैं। अधिकांश गहरे समुद्री जल वातावरण में स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताया कि जहाँ पे उच्च दबाव होगा, उच्च दबाव तभी होगा जब आप गहरे समुद्र के अंदर जाएंगे और कम तापमान होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी समुद्र के अंदर और उच्च दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस यहीं पे गैस हाइड्रेट पाया जाता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गैस हाइड्रेट ऊर्जा का संसाधन है लेकिन यह पर्यावरण के लिए चिंताजनक है, कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह ऊर्जा जो है संसाधन के रूप में क्षमता रखता है, वहीं इसका निष्कर्षण महत्वपूर्ण तकनीक और पर्यावरणीय चुनौती पैदा करता है। इसको निकालना बहुत ज़्यादा जो है वो चुनौतीपूर्ण होगा इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। किस प्रकार से आप इसको किस निकालते हैं, क्योंकि इसके निकालने में देखिए इसमें मिथेन मुक्त होता है जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। अगर मिथेन मुक्त होगा तो फिर ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इसको निकालने में भी एक टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप आसानी से इसको निकाल लेंगे और ऊर्जा के रूप में संचालित कर लेंगे, तो इसको निकालना एक रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे मीथेन के उत्सर्जन का, मीथेन के मुक्त होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
और ये आखिरी दो क्वेश्चन है, गैस हाइड्रेट्स को निकालने में तकनीकी चुनौती क्या है? तो देखिए मैं आपको बता दिया, इसे निकालने में इंजीनियरिंग चुनौती उत्पन्न होगा, ऐसा संसाधन के संभावित व्यवसायीकरण के लिए सुरक्षित और कुशल निष्कर्षण विधियों का विकास करना महत्वपूर्ण है। मतलब गैस हाइड्रेट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसको आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका मीथेन गैस के जो है निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, तो इसलिए ये भू खतरों की संभावना को भी दर्शाता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 27 देखिए, गैस हाइड्रेट्स की भू खतरों की संभावना पर प्रकाश डालें। तो यह अस्थिर होता है, अब समुद्र के अंदर आप जाएंगे तो पानी थोड़े ना स्थिर रहेगा, तो यह अस्थिर हो सकता है जिससे गैस का रिसाव हो सकता है, ठीक है। समुद्र के अंदर भूस्खलन आ सकता है, इससे मीथेन गैस मुक्त होगा जिससे समुद्री जल को खतरा महसूस होगा। तो गैस हाइड्रेट्स एक अच्छा स्रोत हो सकता है ऊर्जा का, लेकिन इसको निकालने में महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे CH4 यानी मीथेन गैस मुक्त होता है। तो अभी गैस हाइड्रेट्स में भारत काफी पीछे है। बाकी ये था आपका कुछ ऊर्जा से संबंधित तथ्य, जिसमें हम सब बहुत सारे ऊर्जा के बारे में चर्चा किए, तो आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए और 71st BPSC 70 BPSC, इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों का अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, BSSC का नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। BSSC का लगभग 50 टेस्ट सीरीज भी तैयार किया जा रहा है, अगर वो सब चाहिए तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पेड कोर्स आप ले सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।